नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत 128वीं वाहिनी कमांडेड विकांत सारंग पाणी की अगुवाई में 128वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। यह रैली मुख्यालय पुलिस लाइन मंडला से बेगा बेगी चौक, जिलाधिकारी कार्यालय, महात्मा गांधी स्टेडियम, चिलमन चौक से बिछिया चौक होते हुए वापस मुख्यालय पहुंची, जिसमें वाहिनी के द्वितीय कमांडेंट अधिकारी अमित मिश्रा, सहायक कमांडेंट मनीष कुमार, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी एस सहित अधिकारियों एवं जवानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा लगाने एवं अपने घर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पूजा ज्योतिष की रिपोर्ट। 148 बटालियन जो मंडला में, जिसका मुख्यालय है और डिप्लॉयमेंट मंडला में है, आजादी का अमृत महोत्सव, इसका पर्व चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है, तो हम लोग पूरे बाइक रैली निकाल रहे हैं। हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है उसको और आगे बढ़ाने के लिए ये बाइक रैली निकाली जा रही है। देश के प्रति अपनापन, देश को अपना समझे और कोई भी नेगेटिविटी ना रहे, यही इसका मेन उद्देश्य है।